आज हम बनाएंगे चिकन ग्रिल सैंडविच। आइए देखते हैं हम चिकन ग्रिल सैंडविच कैसे बनाते हैं। हेलो व्यूवर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन ग्रिल सैंडविच। आइए देखते हैं हम उसको कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने ये दो चिकन के ब्रेस्ट ले ली है। अब हम इनको अच्छे से इस फोर्क से पंचर करने के बाद में हम इसके अंदर एक नींबू का रस मिला लेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम ये एक नींबू का रस। इसके साथ साथ इसके अंदर जाएगा ये हाफ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर ये सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर ये गार्लिक पाउडर ले लेंगे। क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर हम ये जिंजर का पाउडर ले लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ये काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के करीब। ये सब डालने के बाद में इन मसालों को हम इसके ऊपर ब्रेस्ट के ऊपर अच्छे से रैप कर देंगे अपने हाथों से। इनको अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे। अच्छे से लगाने के बाद में हम अवन को 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने के बाद में हम इनको अवन के अंदर इन ब्रेस्ट को ग्रिल कर लेंगे। आइए अब हम ओवन को प्री हीट लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमने अवन को प्री हीट के ऊपर लगा दिया है 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये हमने अवन की ट्रे ले ली है। इसके ऊपर हमने ये एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है। फॉइल लगाने के बाद में हम इन ब्रेस्ट को इसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे। और जैसे ही हमारा अवन प्री हीट होता है हम इसको ग्रिल होने के लिए रख देंगे। ये अवन हमारा यहाँ पे प्री हीट हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये चिकन ब्रेस्ट जो हमने मसाला लगा के रखा था। इसको हम ग्रिल मोड पे 30 मिनट्स के लिए पकाएंगे। बनाएंगे सैंडविच के लिए एक अच्छा सा सॉस। उसके लिए हम ये ले लेंगे मायनीज। 2 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ये मायनीज डालेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप। इसके अंदर जाएगा ये रेड चिली सॉस। हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे ये रेड चिली सॉस। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये हाफ टेबल स्पून के करीब ग्रीन चिली सॉस। ये सारी चीजें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करके ये अच्छा सा सॉस रेडी कर लेंगे सैंडविच के ऊपर लगाने के लिए। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑरेगानो। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। अगर आपको चिली ज्यादा पसंद नहीं है तो आप ये ग्रीन चिली सॉस जो है उसको इसके अंदर अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए, जो ब्रेस्ट है हमारी ये अच्छे से ग्रिल हो गई है। हम इसको चाकू से ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में थोड़ा काट लेंगे। हमने यहाँ पे ये एक प्रेस ली है जिससे हम ये सैंडविचेस बनाएंगे। इसको हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे। ये ब्रेस्ट को हमने यहाँ पे अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब हम इसको इस सॉस के अंदर ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा था। इसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ी सी बेल पेपर्स और एक प्याज ऐसे छोटा छोटा चॉप करके हमने ये ले लिया था। और ये हम इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर डालने के बाद में हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। यहाँ पे कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। इनको अब हम एक एक करके इनके अंदर ये जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो फिल करेंगे। स्टफिंग को हम इसके अंदर अच्छे से
लगा लेंगे। हमने ये जो चिकन को चिकन ब्रेस्ट जो ग्रिल की है, ये आप अगर डाइट भी कर रहे हो तो उसके साथ उसमें खा सकते हो, बहुत ही अच्छी पकती है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा श्रेडेड मोजरेला चीज। चीज आप इसमें प्रोसेस चीज स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, ये अच्छे से इसमें चीज लगाने के बाद में हम ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस और लगा देंगे। अब हम इस ब्रेड को अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक ग्रिल पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने ये 1 टेबल स्पून के करीब घी डाला है। अब हम इसको जो सैंडविच है हमारी, इसको इसके अंदर डाल के अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए, ये सैंडविच हमारी एक तरफ से ग्रिल हो गई थी, अब हमने इसको फ्लिप कर लिया है। अब हम इसको दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो इसको सैंडविच मेकर, जो इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर आता है, आप उसके अंदर भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। हम इसको ग्रिल पैन के अंदर ग्रिल करेंगे। हमारी सैंडविच यहाँ पे ग्रिल हो गई है। ऐसे करके हम एक एक करके ये जो भी सैंडविच बना रहे हैं इसको ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी गर्मा गर्म जो चिकन सैंडविच है वो बनके रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में या टी टाइम के अंदर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।